नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर, नवंबर लास्ट 2019 का टोटल 5 मंथ के करंट अफेयर्स में मैं आपसे 30 क्वेश्चन पूछूंगा। 30 में से कम 15 प्लस आंसर सही देना है, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मल 15 से 20 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के आते हैं। चेक कर लिए कि लास्ट 5 महीनों का करंट अफेयर्स अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ये आपको आपके आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी भी बतलाएगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। 30 क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न में है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे और भी दोस्त ये वीडियो के क्वेश्चंस लगाकर अपना करंट अफेयर्स चेक कर सकें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए और जल्दी जल्दी इसके पार्ट्स प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपके रिवीजन फटाफट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो जन सूचना पोर्टल राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है बताइए, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त जो है जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी को ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस भारतीय ने दुनिया में सबसे कठिन मानी जाने वाली रेस एंड्रू रोमन ट्राइथलन, मतलब आधी रेस साइकिल की आधी रेस दौड़ के, इसको रिकॉर्ड समय में जीता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इनके लिए मयंक वैद्य ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यह सेवा मुंबई में शुरू हुई है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने 150 अप प्रारूपों में लगातार चौथे IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स खिताब के साथ अपने करियर का 22वां वर्ल्ड खिताब जीता है बिलियर्ड्स में, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा पंकज आडवाणी जी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को नियुक्त किया गया है बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर जो है कपिल देव जी को, हरियाणा हरिकेन कपिल देव जी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है, इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव जी की रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में यूनेस्को नाम की संस्था ने, यूनेस्को संस्था आप तो सभी जानते हैं, नाम की क्या सभी जानते हैं, यूनेस्को संस्था ने गुरु नानक देव जी की भाषाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का उद्देश्य या फिर एक प्रकार से प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस देश में मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है बताइए। चलिए देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो है इथोपिया में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, इथोपिया में 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी फीसदी रह गई थी, राइट आंसर क्या बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की जीडीपी जो है पहली
तिमाही में 5% रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा के उद्देश्य से हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों के विलय करने की घोषणा की है बताइए। चलिए देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फिच सॉल्यूशन ने मैक्रो रिसर्च, फिच सॉल्यूशन और मैक्रो रिसर्च की द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें कौन सा देश साल 2025 तक कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो फिच सॉल्यूशन मैक्रो रिसर्च के अनुसार जो रिपोर्ट आई है, 2025 तक भारत कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 4 राज्य मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और कौन से राज्य में ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए वहां पर मिशन चलाया जा रहा है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इन राज्यों में है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम सीखकर अपने लिए कुछ भी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकें। हाल ही में किस देश के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने प्रवासी परिवारों को अनुमति देने संबंधित एक नया विनियमन प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं। तो प्रवासी परिवार मतलब उस जगह पर रहने वाले जो भी प्रवासी लोग हैं, वहां पर अपना डेटा देना पड़ेगा, अमेरिकी सरकार को अपने बारे में सारी जानकारी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने T20 इंटरनेशनल में क्रिकेट सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो श्रीलंका के लसित मलिंगा T20 में सर्वाधिक तेज गति से विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टपुट खिलाड़ी तेजेंद्र सिंह तूल ने हाल ही में चेक रिपब्लिक में अपने आखिरी प्रयास में 20.09 मीटर का थ्रो फेंक कर कौन सा पदक जीता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सेतर जाएगा, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, रजत पदक जीता। भारत की यशस्विनी देशवाल ने रियो डी जेनेरियो में जारी ISF विश्व कप में महिलाओं के कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा मनोज मुकुंद राव ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किस संयुक्त युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण 5 सितंबर से आरंभ हुआ था, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा युद्धाभ्यास 2019 भारत और अमेरिका के बीच में 5 सितंबर से आरंभ हुआ था, संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लेसोथो में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है बताइए। चलिए देखते हैं। तो लेसोथो में जयदीप सरकार को नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप में जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। भारतीय सेना की एक टीम ने विषम मौसम की चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए किस पर्वत पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय सेना की जो टीम है लियो परगेल पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उसकी चोटी पर फतह हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लेसेंट में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार किस देश में कार्डियोवैस्कुलर से होने वाले रोगों के कारण मृत्यु दर उच्च हो गई है, मतलब हृदय संबंधी रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ये देश है भारत। भारत में हृदय संबंधी रोगों से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा किस बैंक में 4,557 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान करने को मंजूरी दी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा IDBI बैंक, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है।
भारत सरकार ने हाल ही में टीबी मलेरिया हेतु, एड्स टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक फंड के लिए कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर के योगदान की घोषणा की है? राइट आंसर क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा 22 मिलियन अमेरिकन डॉलर के योगदान की घोषणा की है टीवी, एड्स और मलेरिया के रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पुलिस विभाग ने राज्य को चलने वाले निजी वाहनों पर जाति, पद, गांव का नाम, विभिन्न चिन्हों, स्लोगन का इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिए हैं बताइए। चलिए देखते हैं, तो ये है राजस्थान पुलिस। तो राजस्थान पुलिस ने ये बढ़िया काम किया है, गाड़ी पर किसी भी प्रकार का आप स्टिकर, चिट, स्लोगन, नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया ये रहा स्क्रीन पर, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कौन सा शहर रहने योग्य स्थान की सूची में पहले नंबर पर है बताइए। चलिए देखते हैं, तो रहने के नाम पर वियना जो है सबसे पहले नंबर पर है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में किस मंत्रालय ने 15 सितंबर को प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा की है बताइए। चलिए देखते हैं, तो ये मंत्रालय है आपका खाद्य मंत्रालय, इसने जो है खाद्य मंत्रालय ने प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरीके से बंद करने की बात कही है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा नंबर मिला है बताइए, कौन से स्थान पर है भारत। चलिए देखते हैं, तो भारत जो है 34वें नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने हाल ही में साइबर अपराध और जांच साइबर फॉरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया है? आपके पास ये चार ऑप्शन है इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों ये हैं आपके 30 क्वेश्चन, आपने कितना स्कोर गेन किया कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे चैनल पर रोज़ दोपहर में 1 बजे से करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है, तो चैनल पर लाइव पढ़ने के लिए ज़रूर जुड़ें। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर सजेस्ट करें। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर इससे पहले वाले वीडियोस की लिंक शेयर कर देंगे, या आप हमारे चैनल के होम पेज पर भी विजिट करके वीडियोस देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा वीडियो के प्रति ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।